जय गो माता, जय गुरुदेव भगवान। मेरे प्यारे गो भक्तों, पेट में पथरी है, पेट की पथरी को ख़त्म करने के लिए पंचगव्य से इसका इलाज किया जाएगा। आइए मेरे प्यारे गो भक्तों, जिनको भी पेट में पथरी है, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, पेट में पथरी होना कोई ज़्यादा अधिक बड़ी समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि कुछ भी खाते पीते मिट्टी के कण अंदर जम जाते हैं, या खनिज तत्व वाला ज़्यादा भोजन ग्रहण करने से, है ना, पानी कम पीने की वजह से ये परिणाम स्वरूप अपने पेट में जम जाते हैं, किडनी में, गुर्दे में जम जाता है। और ये स्वाभाविक है कि वापस अपना खान पान सही हो तो वापस बाहर भी निकल जाता है, मगर कभी कभी क्या होता है कि इसके कण थोड़े बड़े हो जाते हैं, पेट में समस्या करने लगते हैं। तो आइए मेरे प्यारे गो भक्तों, बिल्कुल घबराइए नहीं, जब गौ माता हमारे साथ हैं तो फिर पथरी जैसी बीमारी से डरने की क्या बात है। आइए पथरी का इलाज कैसे किया जाता है, चाहे 5 mm की हो, यहाँ तक कि 30 mm तक की पथरी भी बाहर निकली है इन विधियों से, आप सभी से ध्यानपूर्वक सुने, आगे गौ भक्तों तक भेजें और इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस पर जल्दी से जल्दी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपके सब्सक्राइब से कहते हैं कि जो वीडियो बनती है सबसे पहले इसका वो सूचना आप तक पहुंच जाए, ताकि ऐसे समय समय पर आवश्यक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इसे सब्सक्राइब करें और आगे दूसरे गौ भक्तों तक इसे पहुंचाइए। आइए पथरी के लिए 2 पत्ते पत्थर चट्टे के लेने हैं, नर्सरी में मिल जाएगा पौधा 20-25 रुपये में, नहीं तो कहीं पे भी लग रहा होगा, उसके पत्ते तोड़ के लाओगे तो जैसे पत्थर पे डाल दोगे ना तो भी वो पत्ता चल जाता, उसका पौधा बन जाता, अर्थात पत्थर को चाट कर वो नया पौधा तैयार हो जाता, इसलिए उसको पत्थर चट्टा कहते हैं। तो उसके 2 पत्ते आपको लेने हैं और बारीक बारीक आपको उसको चबाना है और थोड़ा सा पानी पियो। अगर गुर्दे में पथरी है आपके, तो आपको क्या करना है कि इसके लिए गुड़ मार के फूल का चूर्ण आप लोगों को 1 चम्मच लेना है। पत्थर चट्टे के पत्ते तो चबाने ही है, मगर गुड़ मार के फूल का चूर्ण आपको लेना है और 1 कप आपको गौमूत्र पीना है, तो पानी के साथ लीजिए और सुबह शाम आप खाली पेट गौमूत्र पीजिए। इसके साथ में आपको क्या करना है, जो भुट्टा होता है मक्का, उसके ऊपर की जो काली काली मूंछ उसे तो हटा दीजिए, मगर अंदर की जो भूरी भूरी जो मूंछ निकलती है, अंदर के बाल है ना, उसको ले लीजिए और 1 गिलास पानी में उसे अच्छा बढ़िया उबालिए, इतना उबालिए कि वो आधा रह जाए, और उसके अंदर फिर बाद में आप नींबू का रस, और शुगर की बीमारी नहीं हो तो थोड़ा सा शहद मिलाकर आप उसे दिन में 1 बार आप पिए, किसी भी समय पी सकते हो, दिन में 1 बार आपको भुट्टे के अंदर के जो बाल हैं उसका काढ़ा नींबू और शहद मिलाकर आपको पीना है। और 50 ग्राम गौमूत्र आपको लेना है, उसके अंदर 2 ग्राम फिटकरी आपको डालकर खाली पेट आपको सुबह के समय पीना ये अनिवार्य है, गौमूत्र में फिटकरी डाल के आपको पीना है। और आंबा हल्दी का चूर्ण होता है, 1 चम्मच आप सुबह लेकर और आप पर से पानी पीजिए। और आप लोगों को प्राणायाम करना है, भस्त्रिका अनुलोम विलोम आपको करना है साथ में, ऐसा आप 20-25 दिन लगभग करें, या इससे पहले गौ माता की कृपा से पथरी आपकी बाहर निकल जाएगी। आपको प्राणायाम और पत्थर चट्टे का वो लेना है, पत्ते चबाने हैं और भुट्टे के बाल के वो काढ़ा बनाकर पीना है, सेब नींबू मिलाकर और आंबा हल्दी के गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है, इससे आपकी 20-25 दिन के अंदर पथरी गौ माता की कृपा से बहुत शीघ्रता से बाहर निकल जाएगी। आइए कुछ और भी है इस पथरी को बाहर निकालने के इलाज, आइए इसमें से भी सहजता से जो आपको उपलब्ध हो जाए ये आप ले सकते हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पथरी के कारण अगर पेट में दर्द है तो पुनर्वा कचूर और अदरक को बराबर मात्रा में लेकर पीस लें, और 2 चम्मच खाकर आप थोड़ा सा पानी पी लें, इससे आपको तुरंत आराम मिलेगा पेट में पथरी के कारण दर्द हो रहा है। तो पेशाब करते समय अगर जलन है
तो गिलोय के जो बीज की डंडी होती है उसका चूर्ण ले लो 10 ग्राम और आंवले का चूर्ण भी 10 ग्राम और सौंठ का चूर्ण 5 ग्राम और गोकुर के बीज का चूर्ण ले लो 3 ग्राम। इसके अंदर अश्वगंधा की जड़ों का चूर्ण मिला लीजिए 5 ग्राम। इन सबको 1 लीटर पानी में उबालकर काढ़ा बनाओ और अच्छा बढ़िया काढ़ा बन जाए तो दिन में इसे 1 बार आपको रोज पीना है इस काढ़े को, ठीक है। इससे भी आपके पथरी में काफ़ी फायदा होगा। आइए अगला और है, 4 रत्ती आपको फिटकरी की भस्म लेनी है। को फटे हुए दूध या दही का जो निथरा हुआ पानी होता उसके साथ में आप लोगे तो इससे आपका पथरी में काफ़ी अच्छा फायदा रहेगा और मूत्र जो अटक अटक के आ रहा है वो खुल कर आने लग जाएगा। आप ये फिटकरी की भस्म फटे हुए दूध में या दही के निथरे हुए पानी के साथ में आप लोगे तो, ठीक है। जामुन की गुठली का चूर्ण आप 3-3 ग्राम दही के साथ लोगे तो बहुत मूत्रता, मतलब कि बार बार जो पेशाब आता है ना, कहता मुझे पेशाब की बीमारी है, बहुत मूत्र आता बार बार आता, तो आप लोगों को जामुन की गुठली का चूर्ण 3 ग्राम देसी गाय माता के दही में मिलाकर आप लोगे तो बार बार पेशाब आना भी आपका बंद हो जाएगा। ये इलाज मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया। एक आती वरुण की छाल, गोखरू, पुनर्वा, पाषाण बेल सभी को बराबर मात्रा में लेकर मोटा मोटा कूट के रख लो और पापर देसी गौ माता के मूत्र में एक चम्मच चूर्ण मिलाकर और उसका काढ़ा बनाओ। 1 कप रह जाए तब सुबह शाम रोज आप इसको पियो। ये काढ़ा पथरी के लिए बहुत ही लाभदायी है। तो मेरी पहरे को भक्तों, इस प्रकार से मैंने बताई औषधियाँ, आप इनका सेवन कीजिए। गौ माता की सेवा आप निरंतर श्रद्धा भाव से कीजिए ताकि गौ सेवा के प्रभाव से ये सारी औषधियाँ आपके ऊपर पूरा पूरा लाभ करेगी और हमारी पथरी की बीमारी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगी। मेरी पहरे को भक्तों, आप इसको आगे दूसरे गौ भक्तों तक पहुँचाएँ। आप डायरी में लिख लो कि वापस शायद अभी तो लॉकडाउन है इसलिए आप लोगों को इस प्रकार से बताया जा रहा है, फिर यात्रा चलने लग जाएगी तो कार्यक्रम होंगे और कार्यक्रम के अंदर किसी बीमारी एक बीमारी को पर्सनल रूप से इतना समय देकर नहीं समझाया जा सकता, इसलिए इसमें जो बीमारियां बताई जा रही, जो इलाज बताया जा रहा है, इनका व्यवस्थित रूप से कॉपी डायरी में लिख लें और आगे दूसरों को बताने का प्रयास करें। जय गौ माता, जय गुरुदेव भगवान।